हाय हाय बढ़ती हुई महंगाई, 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 हाय हाय स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो प्रॉपर्टी टैक्स करो, बंद करो बढ़ती हुई महंगाई, बंद करो बढ़ती हुई महंगाई, बंद करो बंद करो बढ़ती हुई महंगाई, बंद करो बंद करो स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो लोगों के छत नापना, बंद करो बंद करो लोगों के छत नापना, बंद करो बंद करो लोगों के छत नापना, बंद करो बंद करो लोगों को तंग करना, बंद करो बंद करो लोगों को तंग करना, बंद करो बंद करो ओल्ड एज पेंशन, 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 बीजेपी। आज बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी ये सरारा बरादरी के लोग जो हैं बैठे हैं, हमारी एक सरारा बरादरी नहीं है, हमारा बहु फुट जितना भी एरिया है इतना गरीब तबका लोग हैं, मेहनती मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है कि ताकि ये मतलब इनको टैक्स दे सके, इनके पास ना ही कोई इनके शॉपकीपर हैं बहुत बड़ी बड़ी हाई, ना फैक्ट्रियाँ हैं, ना ये मुलाजम हैं, ये कहाँ से देंगे। मैं हाथ जोड़ के एलजी साहब से, एलजी साहब से छोड़ के मैं केंद्र से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं एक सरारा बरादरी का प्रधान होने के नाते मैं ये कहूँगा, ये लोग गरीब हैं, गरीब लोगों को पिछली सरकारों ने भी मदद किया, आज भी मदद की इनको ज़रूरत है, हम इनके पास एक हेल्प थी, मदद थी ओल्ड पेंशन की या विडो पेंशन की, विडो पेंशन भी बंद कर दी, ओल्ड पेंशन भी बंद कर दी, उल्टा इन पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहता हूं मीडियम के माध्यम से कि इनके पास ये काम हमारा बहुत बड़े क्षेत्र का है, ये कभी भी नहीं ये करें, अगर करेंगे तो इधर प्रलय आ जाएगी, लोग दुखी होकर गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, एजिटेशन करेंगे, मर जाएंगे सड़कों पर, क्या करेंगे जब उनके पास साधन ही नहीं है। आज महंगाई इतनी है, आज 45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो आटा, 80 रुपये किलो सब्जी, 200-250 रुपये किलो तेल, कहाँ से लेंगे जी। एक आदमी घर से जाता है 30 दिन महीने के 15 दिन लगते हैं, 15 दिन अगर लगते हैं उसको 500 रुपया दिन का अगर मिलता है तो 700 रुपया उसको खर्चा है, कहाँ से करेगा वो बेचारा जब अपने पेट पालने के लिए अपने बच्चों का नहीं पेट पाल सकता। तो उसके बाद जैसी कि मैं कह रहा हूँ इनके पास कोई साधन नहीं है कमाई का, ये कहाँ से देंगे टैक्स। मेहरबानी करके हमारे स्मार्ट मीटर जो लगे हैं वो बंद करो, होनी चाहिए स्मार्ट मीटर, जबकि गांधीनगर के लोग एक सरमाएदार हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, त्रिकुटा नगर है, शनि है, और भी बहुत सारी जगह हैं, वो लोग हैं एक बिजनेसमैन, एक मुलाजिम तबका, उनके पास साधन हैं, पहले उनके पास लगाएंगे बाद में जहाँ पर सोचना, ये हम नहीं लगने देंगे। मैं आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मीडिया को हम बड़ा बड़ा शुक्रगुजार करते हैं, बड़ा थैंक्स करते हैं जो हमारे टाइम टू टाइम लेकर हमारी सूझबूझ लेता है। सरकार का फर्ज था हर घर जाकर एक मतलब जाकर लोगों को इकट्ठा करके उनको पूछें कि आपकी दुख है तकलीफें क्या है, वो किसी ने पूछने नहीं, जबरदस्ती जाकर किसी के मतलब मीटर ला ले, किसी के घरों पर जाकर छत ना पड़े, वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।